शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने पच्छाद विकास खंड की बाग पशोक पंचायत में शी हाट का शिलान्यास किया। 12 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही शी हाट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाना है। स्टेट हाईवे नाहन शिमला पर बनने जा रहे इस शी हाट में अतिथियों के लिए ठहरने की व्यवस्था होगी, जहां महिलाओं द्वारा अतिथियों के लिए पारंपरिक भोजन और पेय पदार्थों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। शी हाट सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक क्रियाशील रहेगा। सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि शी हाट को यहां बनाने का मुख्य मकसद महिलाओं को सशक्त करना है, ताकि महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटक यहां स्थानीय व्यंजनों का भी लुत्फ उठा पाएंगे। प्रदेश का पहला ऐसी योजना और ऐसा शी हाट बनने जा रहा है, जिसमें कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट और नाबार्ड के माध्यम से यहाँ वेसाइड एमिनिटीज़, जिसमें कि लोगों को नेशनल हाईवेज के ऊपर टॉयलेट की सुविधा हो और साथ में यहाँ रिफ्रेशमेंट की सुविधा हो और साथ ही साथ महिलाओं को यहाँ स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से एक सेल काउंटर, जिसमें कि पहाड़ी व्यंजन होंगे, हमारे हिमाचली खाना, जिसमें कि विशेष रूप से सिरमौरी, चाहे सिड्डू की बात करें, खीर पटांडे हैं, असकली है और पूड़े हैं और इस प्रकार के लुश्के हैं, ये सारी आइटम्स यहाँ लोकल व्यंजन जो हैं, ना केवल यहाँ के लोगों को, साथ ही साथ जो पर्यटक बाहर से आने वाले लोग हैं उनको भी, ना केवल ये खाना, साथ ही साथ हिमाचल की संस्कृति के बारे में, खान पान के बारे में भी रूबरू करने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। वहीं उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी ने बताया कि पर्यटन विभाग और नाबार्ड के संयुक्त तत्वावधान में शी हाट का निर्माण कार्य पूरा होगा, जो पूरी तरह से जीरो वेस्ट भवन होगा। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में करीब 25 महिलाओं द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस भवन में नीटिंग, सिलाई, डूने पत्तल और चक्की मशीनें भी स्थापित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को बाकायदा यहां पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि महिलाएं निपुणता से यहां अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सके। उपायुक्त ने कहा कि भवन में कपड़े के थैले, पत्तों से बने डूने पत्तल, स्वेटर के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदर्शन और बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। शी हाट बिल्डिंग यहाँ पे निर्माण करने जा रहे हैं, अपने आप में ये अनूठा प्रयास है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं, भारत सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो सोलर टॉप को लेके हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके हो, अपने आप में ये बिल्डिंग एक अच्छी तरह से बनाएंगे, जहाँ पे सारे आपको कंसेप्ट मिलेंगे। जो बेसिक थीम है इसका, जीरो वेस्ट बिल्डिंग के उस पर डिजाइन कर रहे हैं कि जो भी वेस्ट है उसको हम यूटिलाइज करेंगे, चाहे वो किचन वेस्ट है या बाथरूम वेस्ट है या बाकी चीज, जो भी सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, बायोगैस बनाएंगे और उसमें जो भी इस बिल्डिंग में टूरिज्म डिपार्टमेंट और नबार्ड, इन दोनों की सहायता से हम बना रहे हैं। टूरिज्म से जो भी यहाँ पे वे साइड एम्प्टीज हैं, पार्क की है, पार्किंग की है, इसमें टॉयलेट की फैसिलिटी है, नेचुरल वाटर यहाँ पे पिलाएंगे लोगों को आफ्टर टेस्टिंग, और जो यहाँ पे मेन आकर्षण होगा सिरमौरी खाना यहाँ पे खिलाया जाएगा। वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया कि निश्चित तौर पर ये कदम महिलाओं के लिए कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय महिलाओं को यहाँ घर द्वार पर रोजगार का एक अच्छा अवसर मिलेगा। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।